वेलकम टू लर्निंग लोकस। हम इस लेक्चर में सीखेंगे जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं इसे सीखेंगे, इनका यूज सीखेंगे और डेफिनेटली इनके बीच अंतर पता हो जाएगा। सो जेरंड की अगर बात कर लेते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब ing होता है तो वह बन जाता है जेरंड। एग्जाम्पल आपके सामने है, प्ले में ing डालने से प्लेइंग हो गया, तो प्लेइंग वर्ड हो गया जेरंड। अगर ऐसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो वर्ब के ही फर्स्ट फॉर्म में ing को ही जोड़ने से बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल सेम प्लेइंग। तो अब तो मुश्किल हो गया कि जेरंड और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों तो एक ही जैसे हो रहे हैं, फिर डिफरेंस क्या है? तो इन डिफरेंस को समझेंगे इन दोनों के यूज के माध्यम से। जेरंड का यूज समझेंगे, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज समझेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा दोनों के बीच डिफरेंस क्या है और कब किसका यूज करना चाहिए। देखिए जेरंड का देख लीजिए पहले। जेरंड का यूज होता है सब्जेक्ट के रूप में, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पे देखिए, सिंगिंग इज अ हॉबी, गाना एक शौक है, गाना एक शौक है। तो यहाँ पे सिंगिंग एक सब्जेक्ट हो गया है और यह V1 प्लस ING भी है, मतलब यह क्या है? जेरंड है। दूसरा देखिए, जेरंड का यूज होता है सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पे सेंटेंस है राम लव्स सिंगिंग, यहाँ पे सिंगिंग वर्ड ऑब्जेक्ट हो गया है और ये वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म में भी है, यह भी जेरंड है। एक और सेंटेंस है, राम इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, राम को गाने का शौक है। तो यहाँ पे सिंगिंग वर्ड यहाँ भी ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे भी V1 प्लस ING फॉर्मेट में है। तो जेरंड के बारे में इतना ही कहना है आपको कि जेरंड का यूज या तो सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, दोनों यूज से बता दिया। और फिर इसमें आप जानते हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन है ना। तो जेरंड प्रोनाउन तो नहीं है, जेरंड नाउन होता है, ठीक है। तो जेरंड के बारे में बोलिएगा कि जब V1 प्लस ING का यूज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तब उसे जेरंड कहते हैं। और ऐसा भी कह सकते हैं कि जब V1 प्लस ING का यूज नाउन के रूप में होता है तब उसे जेरंड कहते हैं। जेरंड का पटाक्षेप हो गया। आगे बात करते हैं पार्टिसिपल्स की। पार्टिसिपल्स की अगर बात करते हैं तो यूज में पहला है, जितने कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं उनके मेन वर्ब के रूप में, कंटिन्यूअस टेंसेस के मेन वर्ब के रूप में इसका यूज होता है। देख लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, मीरा इज सिंगिंग, यहाँ पे देखिए मेन वर्ब हो गया। फिर पास्ट कंटिन्यूअस, मीरा वॉज सिंगिंग, यहाँ भी कंटिन्यूअस टेंस का मेन वर्ब हो गया। फिर हो गया मीरा विल बी सिंगिंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस का, राइट। नाउ कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी, यहाँ पे भी तो V4 होता है ना, आप जानते हैं V1 प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल को V4 भी कह देते हैं। सो राम हैज बीन रीडिंग, ये भी हो गया। राम हैड बीन रीडिंग, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर राम विल हैव बीन रीडिंग, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 के 6 जितने कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं इन सब में मेन वर्ब ग्रुप में यूज होता है जेरंड। तो जेरंड का, जेरंड नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला यूज क्या हो जाएगा? मेन वर्ब के रूप में। मेन वर्ब किसका? जितने कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं उसका। एक और यूज है वो देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो लास्ट यूज है यह है एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव कैसे? देखिए दिस इज ड्रिंकिंग वाटर, यह ड्रिंकिंग वर्ड है ना, यह क्या कर रहा है? नाउन वाटर की विशेषता बतला रहा है, यह पीने वाला पानी है। तो ड्रिंकिंग वर्ड V1 प्लस ING फॉर्मेट पे है और यहाँ पे यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का भी काम करता है। दूसरा सेंटेंस है, वी शैल सी फ्लाइंग कार्स, हम लोग उड़ने वाली कारें देखेंगे। तो कारें कैसी? उड़ने वाली, फ्लाइंग, V1 प्लस ING फॉर्मेट पे है लेकिन यहाँ पे कार की विशेषता बतला रहा है इसलिए यह एडजेक्टिव है। तो यह भी प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इस तरह से
हो गया है कंप्लीट। जितने प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं वे मेन वर्ब का काम करते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस के, या एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक है। और जितने जेरंड होते हैं वे सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर होते हैं तो मतलब क्या होते हैं, ये नाउन के रूप में यूज होते हैं। तो दोनों के बीच डिफरेंस यही हो गया कि जेरंड नाउन के रूप में यूज होते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब या एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं। तो जब प्लेइंग का यूज आपको नाउन के रूप में मिलेगा तो यह जेरंड हो जाएगा, और वहीं पे जब प्लेइंग वर्ब का रूप जो शुरू में हमने देखा था आपको मेन वर्ब या एडजेक्टिव रूप में मिलेगा तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। होप आप सब समझ गए हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।